नीतीश जी ने उन वर्गों को याद नहीं रखा जिन वर्ग के लोगों ने शुरुआती दौर में इनको ताकत देने का काम किया। उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा नहीं पसंद था कोई बात नहीं, कोई अति पिछड़ा समाज में से ही किसी को अगर उन्होंने अपने बाद के लिए तैयार कर लिया होता तो उपेंद्र कुशवाहा को कोई कठिनाई नहीं। लेकिन मुझको लगा कि आराम से सत्ता की कुर्सी पर बनकर रहा जाए इसके लिए राजनीति नहीं होती। जिस सत्ता की कुर्सी से जनता को न्याय देना दिलाना संभव न हो उस कुर्सी को लात मार देने का काम करना चाहिए, हमने अपने पूर्वजों से ही सीखा। मेरा अभिषेक है, विरासत बचाओ नमन यात्रा के तहत उपेंद्र कुशवाहा जो राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। इस दौरान शहीद जुब्बा सहनी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है और उसके बाद कार्यक्रम को संबोधित किया है जिसमें नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल पर जमकर बरसे हैं। कई सारी बातों को कहा है, उन्होंने साफ साफ कहा नीतीश कुमार तो शून्य हो गए हैं, सारा चीज़ तो राष्ट्रीय जनता दल को सौंप दिया है और कहाँ चले गए नीतीश कुमार। कई सारी बातों को कहा है उन्होंने, हमने तो कहा था कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है लेकिन आज क्या स्थिति हो गई है, आरजेडी के विधायक कहते रहते हैं कुर्सी छोड़ दीजिए, तो कई सारी बातों को कहा है और आपने देखा कि किस तरीके से कई सारी बातों को कहा है, तो क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा आप पहले वो सुनिए। नीतीश जी के नेतृत्व में जोर साहब के आशीर्वाद से पार्टी बनी थी जिस पार्टी ने कार्यक्रम चलाया, शुरुआत उस वक्त हुई समता पार्टी के लिए। समता पार्टी की जब शुरुआत हुई थी आपको याद होगा, बिहार भर के लोगों को याद होगा कि शुरुआत में लव कुश संगठन लव कुश सम्मेलन करते थे और उस रूप में एक नींव डाली गई लव कुश सम्मेलन करके, और धीरे धीरे जब बात आगे बढ़ी तो लव कुश के अलावा समाज के किस वर्ग ने आगे बढ़कर ताकत दी नीतीश जी को, लव कुश के बाद अगर आगे बढ़कर सबसे ज्यादा ताकत शुरुआती दौर में देने का काम समाज के किसी वर्ग ने किया उस वर्ग का नाम था अति पिछड़ा समाज। अति पिछड़ा समाज के लोगों ने ताकत दी, लव कुश समाज के लोग इकट्ठा हुए, अति पिछड़ा समाज के लोग इकट्ठा हुए और तब जाकर बात धीरे धीरे बनी। बाद में चलकर दलित महादलित समाज के लोगों ने भी साथ दिया, अल्पसंख्यक जमात के लोगों ने भी साथ दिया, सवर्ण जमात के भी लोगों ने बड़ी संख्या में जो सामाजिक न्याय पसंद लोग हैं उन लोगों ने भी साथ दिया और सत्ता में परिवर्तन हुआ, नीतीश कुमार जी गद्दी पर बैठे। लेकिन शुरुआती दौर में जिसने ताकत दी, आज दुर्भाग्य इस बात का है कि नीतीश जी अब राजनीति के अंतिम पड़ाव पर हैं, लास्ट इनिंग खेल रहे हैं। यहां आकर नीतीश जी ने उन वर्गों को याद नहीं रखा जिन वर्ग के लोगों ने शुरुआती दौर में इनको ताकत देने का काम किया। अगर नीतीश जी याद रखते, वास्तव में अभी ठाकुर धर्मेंद्र जी याद दिला रहे थे, यहाँ आकर उन्होंने भी सर झुकाया था 2005 में सरकार बनी उससे पहले। अगर अति पिछड़ा समाज के लोगों को उन्होंने याद रखा होता, लव कुश समाज के लोगों ने जिन्होंने शुरू में ताकत दी उनको याद रखा होता तो उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा नहीं पसंद था कोई बात नहीं, कोई अति पिछड़ा समाज में से ही किसी को अगर उन्होंने अपने बाद के लिए तैयार कर लिया होता तो उपेंद्र कुशवाहा को कोई कठिनाई नहीं। लेकिन नहीं किया, क्या कर रहे हैं आज जब बारी आई है अंतिम इनिंग के बाद उनको तय करना है कि किसके हाथ में बिहार जाए, तो बड़ी मेहनत के बाद कुर्बानी के बाद जिस तूफान से किश्ती को निकाल कर लाने का काम हुआ था उस किश्ती को फिर से नीतीश जी उसी तूफान में डालने की बात करने लगे, उसी तरफ देने की बात करने लगे हैं। भाई और मित्रों, अगर उस तरफ बिहार चला गया तो सब लोगों की कुर्बानी बेकार चली जाए। क्या स्थिति थी 2005 के पहले, क्या स्थिति थी, लोगों का चलना दूभर हो गया था, महिलाएं घर में बैठी रहती थी, बच्चा स्कूल जाता था, चिंता में रहती थी कि शाम तक वापस लौट कर आएगा कि नहीं लौट कर आएगा, घर में माता बैठकर चिंता करते रहते, व्यापारी वर्ग के लोग बिहार छोड़कर बाहर भाग रहे थे, अपना काम धंधा बंद करके बाहर जा रहे थे, बिहार अराजकता के माहौल में चला गया था, आतंक के माहौल में चला गया था, चारों तरफ से बर्बादी का मंजर दिख रहा था। वह जो बर्बादी का मंजर था, खौफनाक मंजर, दुर्भाग्य इस बात का है
कि उस मंजर से निकाल कर लाने के लिए बिहार के लोगों ने नीतीश जी को तय कर दी। लेकिन आज नीतीश जी फिर से बिहार को ही सौंपने की बात करने लगे। हमने तय किया है, हमारे साथियों ने तय किया है कि हम लोग चाहे जितनी कठिनाई का सामना करना पड़े हम करेंगे, लेकिन बिहार को 2005 के पहले वाली स्थिति में नहीं जाने देंगे हम लोग। यह हम लोगों ने तय किया, हमने पहले प्रयास किया पार्टी में रहकर जनता दल यूनाइटेड में, हमने कोशिश की कि नीतीश कुमार जी गलत रास्ते पर जा रहे हैं उनको रोका जा सके, हमने प्रयास किया। लेकिन नीतीश कुमार जी पता नहीं उनको क्या हो गया, उन्होंने जिद ठान ली है कि हम नहीं रुकेंगे, उसी तरफ जाएंगे ही। तब हम लोगों ने कहा कि नहीं, अब ऐसे नहीं होगा, आपको जो भी निर्णय लेना हो लीजिए, लेकिन बिहार को हम बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। हम चाहते तो मुझको कोई कठिनाई नहीं थी। आज राजनीति में अधिकांश लोग आते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी तरह से सदन के अंदर उनको जगह मिल जाए, एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, एमएलसी बन जाए, इसके लिए अधिकांश लोग राजनीति करते हैं। वहां जाकर हम भी चाहते तो आराम से ठंडा घर में हम भी रह सकते थे, हम भी वहां सुख सुविधा सत्ता का भोग सकते थे। अभी तो 4 साल बचा हुआ मेरा था विधान परिषद की सदस्यता का, हम चाहते तो आराम से वहां रह सकते थे, हमको क्या गरज पड़ा हुआ था। लेकिन मुझको लगा कि आराम से सत्ता की कुर्सी पर बनकर रहा जाए, इसके लिए राजनीति नहीं होती। जिस सत्ता की कुर्सी से जनता को न्याय देना दिलाना संभव न हो, उस कुर्सी को लात मार देने का काम करना चाहिए। हमने अपने पूर्वजों से यही सीखा है और यह पहली बार नहीं है। राज्यसभा की सदस्यता हमने छोड़ी, उस वक्त भी 3 साल का समय बचा हुआ था। हमने भारत सरकार की मंत्री परिषद की सदस्यता छोड़ी, किसी ने हमको हटाया नहीं था। लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा बार बार इधर से उधर हो जाते हैं। भाइयों और मित्रों, ठीक बात है, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इधर से उधर होता है वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए नहीं होता है, इधर से उछलकर उधर कुर्सी बचाने के लिए नहीं होता है, बल्कि कुर्सी छोड़कर संघर्ष में जाने के लिए इधर से उधर होता है। हम संघर्ष में जाने के लिए इधर से उधर होते हैं, और कारण यही है कि हम आराम से रहकर अपनी सुख सुविधा के लिए राजनीति नहीं करते, हम लोगों की सुख सुविधा के लिए राजनीति करते हैं। इसलिए हमको निर्णय लेना पड़ता है और हमने निर्णय लिया है, आपने बाकी लोगों को भी मौका दिया। हम आए कहने के लिए कि विरासत को बचाने का काम करना है। जिस विरासत को बचाने की बात हम कर रहे हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बाद आप सब लोगों ने, बिहार भर के लोगों ने विरासत सौंपी थी श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर, सब लोगों ने उनको ताकत दी, इस इलाका में एक एक वोट उनको मिलता था। बिहार भर में जितनी बड़ी ताकत श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी को, पिछड़ा भाइयों ने, दलित भाइयों ने, गरीब भाइयों ने जितनी ताकत दी, आज तक किसी को उतनी ताकत बिहार में नहीं मिली थी। उतनी ताकत दी, शुरुआत में तो उन्होंने अच्छा काम किया, कुछ वर्षों तक निश्चित रूप से अच्छा काम किया, लोगों को जगाने का काम उन्होंने किया, लेकिन बाद में चलकर जिस ताकत को आपने दी उस ताकत का इस्तेमाल बाद में चलकर आपके लिए उन्होंने नहीं किया, अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करना उन्होंने शुरू किया। और जब परिवार के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया तभी समता पार्टी का जन्म हुआ था, तभी संघर्ष की शुरुआत हुई थी। तो आपने सुना कि उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा, कई सारी बातों को कहा, वो लगातार यात्रा कर रहे हैं। कल पहला दिन था, आज दूसरे दिन के मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, जहां मीनापुर में शहीद जुब्बा सहनी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है और कई सारी बातों को कहा है। नीतीश कुमार पर जमकर बरसे हैं।